जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिस सर्जेंट फैक्ट में। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड में जहाँ कितनी भी वैकेंसी क्यों ना निकल जाए लेकिन उसमें केस होना जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों झारखंड के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो झारखंड उत्पाद सिपाही हो, झारखंड सचिवालय हो, झारखंड जेई हो, ठीक है, चाहे जितनी भी वैकेंसी अभी तक निकली हो, ठीक है, उन सभी पे केस है। क्योंकि सभी का जो विज्ञापन होता है दोस्तों, उन सभी विज्ञापनों पे लास्ट पे लिख दिया जाता है कि ये जो अंतिम फैसला होगा, ठीक है, अगर इस पे यदि कुछ केस होती है और यदि अंतिम फैसला होती है तो जो अंतिम सुनवाई होगी, ठीक है, वो हाईकोर्ट के अधीन होगी, ठीक है। तो परसों जो कोर्ट में फैसला सुनवाया गया, ठीक है, उसमें जो जेपीएससी के लिए जेपीएससी को देखते हुए सुनवाया गया, क्योंकि जेपीएससी में जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है उसमें जो केस चल रहा है, ठीक है, तो वो जेपीएससी ने एक्सेप्ट कर लिए। उसने बोला है कि हाँ, इसमें एक्सेप्ट मैं करता हूँ कि ये गलती है, ठीक है। तो कोर्ट की तरफ से फिर से एक डेट दिया गया है जेपीएससी को कि आप इसको रिटर्न फॉर्म में लिख के दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए उनको बुधवार को टाइम दिया गया है, तो अगला सुनवाई अगले बुधवार को होगी दोस्तों, ठीक है। से जो हाईकोर्ट है, जेपीएससी को एक सही निर्णय दिया है कि आपकी जो निर्धारित तिथि है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जुलाई में, ठीक है, आप उसको आनन फानन में जून पे क्यों कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी मुद्दों पे चर्चा की गई है हाईकोर्ट पे, और बाकी जो वैकेंसीज हैं जो जेएसएससी के द्वारा है, ठीक है, इन सभी पे सुनवाई चल रही है। तो आप एक चीज़ समझ ले दोस्तों कि जो नियुक्ति नियमावली का केस है जेएसएससी के ऊपर, ठीक है, वो एक तरह से सही है, ठीक ना। तो आप इस चीज़ को एक मान के चले कि ये वैकेंसी पे कुछ बदलाव हो सकते हैं, ठीक है, थीके? क्योंकि हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा, और ये फैसला आना जरूरी भी है क्योंकि ये जो छात्रों का भविष्य ये अंधेरे पे हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी का हम लोग वेट करते हैं कि ये कब तक फाइनल फैसला आ जाती है, ठीक है। वीडियो आज के लिए यहीं तक दोस्तों। जय हिंद।